एक मई का दिन दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। इन दिन को लेबर डे, मई दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। आज मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम करने का दिन है। ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के कई देशों में छुट्टी होती है। इस मौके पर मजदूर संगठन से जुड़े लोग रैली व सभाओं का आयोजन करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी बुलंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किए जाने को लेकर आंदोलन पर चले गए। 1 मई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा। इसी के साथ भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में काम के लिए 8 घंटे निर्धारित करने की नींव पड़ी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मई 2023 को संयुक्त खदान मजदूर संघ बचेली के द्वारा मई दिवस जोर शोर एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद एवं सचिव शंकर राव एवं सभी पदाधिकारी एवं खानों में, प्लांट में काम करने वाले मजदूर साथी सभी यूनियन कार्यालय में एकत्रित हुए एवं झंडा रोहण किया गया और वहां से रैली के रूप में प्रस्थान करते हुए लाल मैदान में पहुंचकर वहां पर भी झंडा रोहण किया गया। लाल मैदान से रैली एवं नारेबाजी करते हुए पूरे बचेली नगर का भ्रमण करते हुए अंत में सभी साथी श्रमिक चौक में एकत्रित हुए एवं शहीद साथियों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए याद किया गया एवं नारेबाजी की गई। मजदूर एकता जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मई दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त खदान मजदूर संघ बचेली के द्वारा विभिन्न खेलों एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन बरसात होने के कारण बुधवार करने की बात कही। 1 मई को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? हम 1 मई को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि दुनिया के जो मजदूर हैं, हमारे जो बचेली यूनिट के जो मजदूर हैं, सब तो एक रहे, ये हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं। उनमें जो भेदभाव हो रही है उनको हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं। मजदूर के साथ जो शोषण हो रहा है, हम उसके लिए हम लोग मजदूरों की जो एक नई वेतन नीति आ रही है उस बारे में क्या कहेंगे? हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? आज सर्वप्रथम एसकेएमएस भवन में हम लोग झंडा रोहण किए, उसके लाल मैदान में झंडा रोहण किए और यहाँ से श्रमिक चौक है वहाँ पर हम श्रद्धांजलि देंगे, वहाँ से खेलकूद वगैरह का कार्यक्रम आयोजित किए। बचेली से राजेश माहुलकर की रिपोर्ट।